इन इंतजार के बाद क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच बंद हो गई है बातचीत। भारतीय टीम का सफर इस विश्व कप में खत्म हो गया है। पूरी टीम में निराशा छाई है। न्यूजीलैंड के हाथों मिली 18 रन की हार से कोहली की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे हैं। कप्तान कोहली खुद इस मैच में एक रन बना पाए। वहीं इस टूर्नामेंट में 5 शतक लगाने वाले रोहित शर्मा भी सिर्फ 1 रन ही बना पाए थे। खैर, हारने के बाद कोहली और रोहित के बीच शायद बातचीत बंद हो गई है। यह हम नहीं बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। मुकाबला गंवाने के बाद कोहली ड्रेसिंग रूम की बेलकॉनी में टीम के सभी खिलाड़ी और स्टाफ से मिले। कोहली थोड़ा और आगे बढ़े और फिर जियो पैट्रिक फरहार्ट से भी मिले, जिनकी सेवाएं वर्ल्ड कप तक हुई थी। टीम का हर खिलाड़ी एक दूसरे को दिलासा दे रहा था। वहीं बालकनी के दूसरे छोर पर रोहित शर्मा खड़े थे। कोहली आगे भुवी की ओर बढ़े। वह सबसे मिलते हुए ड्रेसिंग रूम से मैदान की ओर जा रहे थे, जहां प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने वाली थी। जो भी बीच में उनके सामने आ रहा था, वे उसे सांत्वना दे रहे थे। इस फोटो में आपको तस्वीर साफ साफ नजर आने लगी होगी। कोहली सबसे मिले, धोनी और रविवार शास्त्री से भी, लेकिन रोहित के पास आते ही वे उनके पीछे से निकल गए और रोहित वैसे के वैसे उसी स्थिति में उसी स्थान पर खड़े रहे। बस अगर कुछ बदला है तो वो है उनके चेहरे के हाव भाव। टीम को हारता देख सबसे ज्यादा परेशान रोहित शर्मा दिखे, जिन्होंने ग्रुप मैचों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 5 शतक लगाकर टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया, लेकिन यहां उनका बल्ला नहीं चला तो किसी का भी नहीं चल पाया। वहीं कप्तान कोहली को धोनी को ऊपरी क्रम पर न भेजने के कारण काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।